थिएटर की पूरी टीम की तरफ से मैं तहे दिल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। रूबरू थिएटर ग्रुप ने बहुत से प्रशंसनीय नाटक की प्रस्तुतियाँ देश भर में दी है। आज की प्रस्तुति साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रोफेसर मदन मोहन शर्मा जी का लिखा नाटक जानवर एक ट्रिब्यूट है श्री विजय सूरी जी को। विजय सूरी जम्मू कश्मीर के जाने माने कलाकार रह चुके हैं। उन्होंने नाटक जानवर की लगभग 200 प्रस्तुतियां देश भर में दी हैं। जम्मू कश्मीर में उन्हें नाटक रंगमंच की दुनिया का विष्णु पितामह भी कहा जाता है। नाटक की निर्देशिका है श्रीमती काजल सूरी। काजल सूरी जी को जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से 7 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं, 2017 में उन्हें 10th नेशनल वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड से भी नवाजा गया। ये अवार्ड उन्हें रंगमंच के क्षेत्र में मिला। इस अवार्ड के लिए 25 महिलाओं का पूरे भारत से चयन किया गया था। नाटक शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अपने फोन या तो साइलेंट मोड पे रखें या स्विच ऑफ कर लें, ताकि नाटक के दौरान कोई डिस्टर्बेंस ना हो और आप नाटक का पूरा आनंद ले सकें। इसी के साथ शुरुआत करते हैं नाटक जानवर। चाहो तो मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर सकता हूँ। जायदाद साहब? हाँ, लेकिन लेकिन का? लेकिन तुम्हें शादी करनी होगी। शादी? हाँ, पर जिससे तुम्हारी शादी होगी पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं होगा। साहब, आपके कहने का मतलब है कि मैं जिसकी मांग में सिंदूर भरूंगा उस पे मेरा कोई अधिकार ही नहीं होगा? कम से कम जब तक मैं जीवित हूं। मंजूर है साहब, मुझे मंजूर है साहब, मुझे सब मंजूर है साहब। कुछ पूछना है साहब?
कौन साहब? पढ़ी लिखी लड़की है, बीए पास है। बीए पास? साहब उनका नाम का है साहब? उनका नाम? हाँ, गीता है। गीता? गीता बहन जी? क्यों, क्या हुआ साहब? आप जानते तो हैं, आप क्या बोल रहे हैं? आप अपनी अपनी खुद की बेटी गीता की शादी मुझसे? नहीं साहब, आप मुझे इतना भी ना समझ मत समझिए, आप तो मुझ गरीब का मजाक उड़ा रहे हैं साहब। कप्तान कृष्णदेव किसी का मजाक नहीं उड़ाता। परंतु साहब, गीता बहन जी किसी से शादी नहीं करेंगी, वो अनिल बाबू कैसे बात? अनिल से उसकी शादी नहीं होगी, उसकी शादी उसी से होगी जिससे मैं चाहूंगा, सिर्फ तुम्हारे साथ होगी। और आप अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दोगे? हाँ फिर ठीक है साहब, मंजूर है साहब, आप तो मालिक है साहब, आप ही भगवान है। शिवराम साहब, तुमने कभी धीमी धीमी रोशनी में कमल के फूलों को खिलते हुए देखा है? नहीं साहब। तुमने कभी सितारों की चांदनी को अपने हाथों से छुआ है? नहीं साहब। तुमने कभी बरसात की पहली बूंद को पपीहे के मुंह में जाते हुए देखा है? नहीं साहब। तुमने कभी प्यार किया है? नहीं साहब। वो आदमी है कि जानवर? साहब साहब, आपकी तो हर बात पत्थर की लकीर के समान है, आप मालिक हैं, आप भगवान हैं। मैं चलता हूँ साहब। साहब जायदाद मिल जाएगी ना साहब? मैं समझ गया साहब, मैं समझ गया, मैं हर बाजी मैंने हारी है, लेकिन ये अंतिम बाजी मैं नहीं हारूंगा, ये मेरी बाजी है, गीता मेरी है, मुझसे कोई नहीं दूर ले जा सकता, वो इसी घर में रहेगी। कोई बात तो जरूर है अंकल, आप ही बताओ ना।
आखिर ऐसा क्या हो गया है कि आप उन्हें एक दूसरे से बात तक नहीं करते? देखिए अंकल, अगर गीता से कोई गलती हुई है तो आप मुझसे कहें, मैं अभी जाकर उसे समझाऊंगी और आपसे माफी मांगने के लिए भी कहूंगी। नहीं, गीता की कोई गलती नहीं, उसने कोई भूल नहीं की है। गीता की कोई गलती नहीं है? लेकिन अगर गीता की कोई गलती नहीं है, किस बात पर नाराज हैं आप उससे? देखिए अंकल, आप जानते नहीं है वो बेचारी बहुत दुखी है, प्लीज गुस्सा थूक दीजिए ना अंकल। और देखिए, गीता भी बहुत नादान है, वो तो कुछ जानती भी नहीं है, और भला इस दुनिया में आपके सिवाय उसका है ही और कौन? मेरा? गीता का मेरे सिवा कोई नहीं, तो मेरा भी तो गीता के सिवा कोई नहीं। कल को वो शादी करके किसी और के घर चली जाएगी, उसको नया जीवन साथी मिल जाएगा, मेरा क्या होगा? कौन करेगा मुझसे बातें भी? कौन बांटेगा मेरी तन्हाइयों का बोझ? ओफो अंकल, बस इतनी सी बात? आप एक काम क्यों नहीं करते अंकल, आप गीता के लिए कोई ऐसा लड़का ढूंढ लीजिए जो शादी के बाद इसी घर में रहने के लिए तैयार हो जाए। हाँ रीता, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन लेकिन ये सब गीता को मंजूर नहीं। गीता को मंजूर नहीं? भला गीता को क्यों नहीं मंजूर होगा अंकल? अरे आप वो सब छोड़िए, मैं उसे मना लूंगी। लेकिन अंकल, पहले आप कोई लड़का तो ढूंढ लो। लड़के का क्या है, लड़का तो मैंने ढूंढ ही लिया है। क्या, लड़का ढूंढ लिया है? हाँ। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, बहुत बहुत मुबारक हो अंकल। हाँ। तुम्हें मेरी और गीता की खुशी के लिए उसे समझाना चाहिए। अरे आप उसकी चिंता ना करो, मैं उसे समझा दूंगी। लेकिन अंकल, वो रहता कहाँ है, है कौन, काम क्या करता है? तुम ये सब ना ही पूछो तो ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि तुम्हें वो पसंद नहीं आएगा। मुझे पसंद नहीं आएगा? गीता का भाई? हाँ। क्या अंकल, बताइए ना। तुम उसका नाम सुनकर गुस्सा करने लगोगी। मैं क्यों गुस्सा करूंगी? क्योंकि वो अनपढ़ है, गरीब है। अनपढ़ है, गरीब भी है वो? हाँ, वो सेवाराम है सबका नौकर। क्या, सेवाराम? आपका दिमाग तो ठीक है ना अंकल? इंसान का दिमाग तभी ठीक काम करता है जब उसका दिल ठीक हो। लेकिन आपकी ये बात सुनकर तो हर कोई यही कहेगा कि ना तो आपका दिमाग ठीक है और ना ही आपका दिल। हाँ, ना मेरा दिल ठीक है ना मेरा दिमाग ठीक है, मैं पागल हूँ, एक जानवर हूँ, यही कहना चाहती हो ना तुम? नहीं अंकल, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। देखिए, आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए अंकल, दुनिया का निर्दयी से निर्दयी बाप भी अपनी बेटी की जिंदगी इस तरीके से बर्बाद नहीं करेगा। लेकिन मैं गीता का बाप नहीं। What? मेरी बेटी नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं? जरा सोचो गीता, मुझ अपाहिज से कौन शादी करेगा? और तो और, जिसने कभी मुझसे प्यार किया था, जिससे मेरी सगाई हो चुकी थी, जब उसे पता चला कि लड़ाई में मेरी दोनों टांगे चली गई, तो उसने भी मेरा जीवन साथी बनने से इनकार कर दिया। मैं तुम्हें पिछले 30 साल पुरानी बात बता रहा हूं। फिर क्या हुआ अंकल? फिर एक 6 फुटा नौजवान कप्तान कृष्णदेव 3 फुट का होकर रह गया, जिस मानव जीवन को भोगने के लिए आसमानों के देवता भी तरसते हैं, वही जीवन मेरे लिए बोझ बन गया। मैं आपको समझ सकती हूँ। झूठ, झूठ है ये।
मेरा दुख केवल मेरा है, उसे कोई नहीं समझ सकता। भला तुम्हें क्या पता कि 30 सालों में हजारों रातें ऐसी आई हैं जिसमें मैं एक पल भी नहीं सो सका। भला तुम क्या समझो मेरी वेदना को, कौन सहन कर सकता है उस ज्वाला की तपिश को, जो रिमझिम बरसते बादलों की एक एक बूंद मेरी छाती के भीतर भड़का देती है। मेरे दुख को समझने का बड़ वो हाके जिसने पिछले 30 सालों में सपनों के मोती सजाए हो और हर मोती को अपनी ही लगाई हुई आग में जलते तपते राख हो जाते हुए देखा हो, और कोई नहीं समझ सकता मेरे दुख को, समझे? अंकल, पर अगर आप गीता के पिता नहीं हैं, तो कौन है गीता के माँ बाप? मुझे नहीं पता। नहीं पता? अंकल, आपको गीता कहाँ से मिली? मुझे नहीं पता। मेरा वो दोस्त राधेश्याम मुझे दे गया। राधेश्याम? हाँ, दोस्त 2 महीने की बच्ची को मेरी गोद में रख गया। उसको देखकर ऐसा लगा जैसे मेरे सूखे सड़े सपने फिर से हरे हो सकते हैं। और वो बच्ची धीरे 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 बढ़ती चली गई, और एक दिन वो मुकम्मल औरत बन गई, खूबसूरत औरत। आपका कहने का मतलब क्या है? यही कि गीता बेमिसाल है, शानदार है। आज 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 मेरे मेरे जीवन में मेरी सांसों में मौत की दुर्गंध नहीं, गीता की जवानी की खुशबू बसी हुई है। आज मैं अपने को भाग्यशाली समझता हूँ। भाग्यशाली? लेकिन आपकी बातें तो मेरी समझ से कोसों दूर है। अरे आप तो पागल हूँ मैं कहो मैं पागल हूँ? मैं जानवर हूँ, लेकिन याद रखो गीता की शादी सेवाराम से ही होगी, समझे? क्या इसका मतलब? सेवाराम और गीता की शादी भी सिर्फ एक दिखावा है? हाँ अंकल, अरे आप इंसान नहीं जानवर है, जानवर। हाँ जानवर, यू आर अ बीस्ट। आप जानवर है, जानवर। अरे लखपति नहीं करोड़पति बन गया।
अरागी कैची दिला दी ते दिल मारा तंग हो, अगी कैची दिला दी ते दिल मारा तंग हो, गोली मारे राख आजी चल साड़े संग हो, गोली मारे राख आजी चल मारे संग हो, अगी कैची करोड़पति। इसका मतलब ये जमीन, ये जायदाद, ये सब मेरी। मतलब ये कुर्सी, ये बाटली, ये सभी कालीन, ये सब मेरा। की कैची दिला दी। सेवाराम जी साहब, का हुआ साहब, बोलो ना, का हुक्म है साहब के बच्चे? अबे किसका साहब, कैसा साहब? अबे कभी किसी करोड़पति का भी कोई साहब होता है? तू ही है खुद का साहब। साहब सेवाराम, बल्द परशुराम सिंधनी, तहसील चनहनी, जिला उधमपुर, सूबा जम्मू, रियासत जम्मू कश्मीर और देश भारत। अगी कैची दिला दी ते दिल मारा तंग। मकान साहब, मकान साहब। अबे कौन है साहब, है क्या साहब? है, हाँ है, सेवाराम साहब है। आज अंदर दरवाजा खुल है जी। मुझे सेवाराम साहब से नहीं, कप्तान साहब से काम है। वो कहाँ है? अबे भिखारी, अबे चंदा वंदा तो नहीं मांगने आया? आ जाता मुंह उठा के कला ना। अजीब बात की है आप जी, मैं चंदा मांगने वाला नहीं हूँ, मुझे कप्तान साहब से आवाज नीचे। भाई तमीज से बात करो, हम भी साहब है। कपड़े देख के मत सोचना कोई नौकर वोकर है। अजी मेरी क्या औकात कि मैं आपको एक नौकर समझूं जी। मैं तो अर्ज कर रहा था कि कप्तान साहब कहाँ हैं? बाहर में बैठे होंगे, क्या काम है? काम तो कुछ खास नहीं, बस 4 साल बाद आया तो सोचा दर्शन कर लूं। क्यों, मंदिर है? अगर बुरा ना माने। मान गया बुरा। अंदर इतला कर दे कि राधे श्याम आया है। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। साहब आप कब, कैसे? मैं बुला के लाता हूँ साहब, एक सेकंड साहब। साहब कप्तान राधे श्याम, राधे श्याम। और बहुत दिनों के बाद सच में पूरे 4 साल बाद। आधे भाई मैंने तो सोचा कि तुम्हें चिट्ठी लिखूं, खत लिखूं, तार लिखूं, पर कहां, तुम्हारा कोई अता पता ही नहीं था। मुझे तो लगा कि तुम कहीं मर खप गए। कप्तान मर खप जाने की भी दिन अब दूर नहीं है। पता नहीं कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए। ऐसा मत करो। लेकिन तुम बताओ कैसे हो मेरे दोस्त? देख लो यहाँ, वही शक्ल, वही सूरत, और बात करने का अंदाज भी बिल्कुल वही। तुम रत्ती भर नहीं बदले कप्तान। तुमने, अरे वो क्या तुम करते हो, वो समाज कल्याण, मानव कल्याण, देश कल्याण, सारी जिंदगी तुमने इसी में खपा दी। वो कहा, क्या बताऊं कप्तान, बस 4 साल पहले मन में ख्याल आया कि राधे श्याम, उम्र का इतना पड़ाव गुजर गया लेकिन तुमने अभी तक देश के लिए कुछ भी नहीं किया, तो बस उठाया झोला और निकल चले भारत भ्रमण की ओर। इन 4 सालों में बहुत कुछ देखा, शहर, गांव, पहाड़, लेकिन हर जगह सिर्फ हाहाकार ही हाहाकार। पता नहीं इस देश को क्या।
कप्तान ये गीता की तस्वीर है ना? हाँ। अब तो 23-24 साल की हो गई होगी, मुझे तो लगा कि तुमने उसकी शादी कर दी। नहीं, शादी तो नहीं की, मन नहीं माना। हाँ, गीता से कुछ दिल सगर गया। तुम्हारा क्या ख्याल है गीता की शादी के बारे में? गीता की शादी? हाँ, सेवाराम से। सेवा? अब भला मानस है, अति चालाक भी नहीं, और सबसे अच्छी बात राधे श्याम मेरी पसंद का है। कप्तान वो तो ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से तुम्हें एक बार गीता से पूछ लेना चाहिए। क्यों, सेवाराम में क्या बुराई है? देखो, अपनी घर की ही बेटी घर के नौकर के साथ ब्याह ही जाए, ये कुछ बात हजम नहीं होती। मुझे लगा कि तुम मेरे इस बात की तारीफ करोगे, खुश होगे। मैं भी तो एक समाज के लिए एक अच्छा काम कर रहा हूँ, हैं? मैं भी तो मतलब एक छोटे गरीब अनपढ़ इंसान का जीवन बना देना कोई कम बड़ी बात होती है। गीता को लाकर तुमने भी तो यही किया। हाँ कप्तान, नहीं तो उस नन्ही सी जान की न जाने क्या दुर्दशा होती। लेकिन मैंने दुर्दशा नहीं होने दी, मैंने उसे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। ये सब करके तुमने सच्ची मानवता का उदाहरण दिया है मेरे दोस्त। आई एम प्राउड ऑफ यू। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि एक बार गीता से पूछ लेना चाहिए। भाई वो पढ़ी लिखी है, समझदार है। अरे कप्तान, तुम्हें एक बात बताना तो मैं भूल ही गया। एक साल पहले मुझे तुम्हारी जानकी मिली थी। कौन? वो जिसने कभी मुझसे प्रेम का नाटक किया था? हाँ हाँ, वही मेरी जानकी, दिल्ली के करोलबाग में रहती है, छोटे से घर में। बेचारी बहुत दुखी है। जो? उसे तो सुखी होना चाहिए था। वो सुखी नहीं है कप्तान। शादी के 5-6 साल बाद ही किसी ने उसके पति का खून कर दिया। अब तो बेचारी अपने इकलौते बेटे को देख देख कर जीती है। लेकिन उसका बेटा बहुत नेक है, ऊंचा लंबा सजीला बेहद शरीफ, मुझे तो भाई बहुत पसंद आया। अभी फिलहाल किसी नौकरी की तलाश में था, ईश्वर करे कि उसे नौकरी मिल गई। साहब, आपसे कितनी बार कहा गीता को ऐसे बाहर मत जाने दिया करो अकेले। वाह साहब, रीता बहन जी से बहाना करके गीता बहन जी वो अनिल बाबू से मिलने गई है। क्या कह रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। गीता ने मेरी कसम खाई थी कि वो रीता से मिलने जा रही है। साहब बोलो, गप्पे बाग में खड़े हैं। कौन? भाई गीता और वो अनिल बातें कर रहे हैं। शाम तू उसको लेकर आ। क्या जो से टांग चांद से मार दूंगा। अरे तुम लेकर आते। हाँ हाँ, इसको रखो। सेवाराम कौन है, दिखाओ मुझे। वो देखो साहब, वो पेड़ के बगल में, वो ब्लू शर्ट वाला। हाँ वही, दाढ़ी वाला। जानकी के बेटे को। अरे वो अनिल जानकी का ही बेटा है। कमाल हो गया कप्तान, कमाल हो गया। कमाल हो गया। मजा आ गया, मजा आ गया। मजा आ गया। एक बार माँ ने मुझे धोखा दिया, अब बेटा मुझे धोखा देना चाहता है। माँ 30 साल पहले मुझे धरती का बोझ समझकर छोड़कर चली गई। मजा आ गया। लेकिन राधे श्याम, मैं दो बार नहीं ठगा जा सकता। मैं दो बार नहीं ठगूंगा, ध्यान रखना। लेकर आओ, उसे लेकर आओ। मैं उसका खून बहाऊंगा, उसे मरना होगा। पागल तो नहीं हो गया? हाँ, तुम पागल हो गया। जानकी के बेटे को मारोगे? हाँ, मैं जानकी के बेटे को मारूंगा। तू लेकर आओ, लेकर आओ। ठीक है शाम, इसे रखो। नहीं, लेकर आओ। ठीक है, मैं जाऊँ। चलो सेवा राम। चलो सर।
नमस्ते। शायद मुझे यहाँ काफी समय पहले ही आ जाना चाहिए था। आप कभी शादी करा रहे हैं? पर किससे? सीमर से शादी होने पर गीता खुश नहीं रहेगी अंकल। और मेरी छोड़िए, गीता खुश नहीं रहेगी तो क्या आप खुश रहेंगे? ठीक है, आपका फैसला है। देखिए, आपको गीता की शादी जिससे करानी हो कराइए, लेकिन इस घर में जो गीता के साथ बर्ताव हो रहा है उसे मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। बोलना गीता। अरे तो कुछ बोलते क्यों नहीं है? बोलना गीता, सामने यहाँ पे गुस्से क्यों बन जाती है? देख गीता, तेरे को डरने की कोई जरूरत नहीं, तो बोल। अरे तेरे जैसी बेजुबान लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तू तो उन कमजोर औरतों में से एक है जो सदियों से मर्दों के जूतों के तले पिसती चली आ रही है। अंकल, आपको अच्छी तरह पता था कि मैं गीता को भगा ले जा सकता हूं, पर क्या मैंने ऐसा किया? ये कितनी अजीब बात है कि आप जो गीता के साथ इतने सालों से साथ में हैं, उसके दिल के अरमानों को समझने ही नहीं चाहते, और तो और आप उसके सपनों तक को समझने से इनकार कर रहे हैं। और उससे भी ज्यादा अजीब बात ये है कि 60 साल का एक आदमी 20 साल तक एक बच्ची को इसलिए पालता रहा ताकि वो अपने अंदर छिपे हुए जानवर की भूख उस लड़की के शरीर से मिटा सके। कप्तान साहब, आप गीता को एक मांस का टुकड़ा नहीं समझेंगे, उसके भीतर जो आत्मा है उसे समझने की कोशिश करें। गीता, अरे तो कुछ बोलती क्यों नहीं है गीता? अरे बोल ना, अब तो बोल गीता। सामने बैठे इस जानवर से कहती क्यों नहीं है कि तेरा रिश्ता से कोई रिश्ता नहीं है? गीता बोल, बोल ना।